आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें होस्ट नेम चेंज करना है अपने सिस्टम का, जो यहाँ पे होस्ट नेम होता है, अगर हमें ये चेंज करना है तो हम ये किस तरीके से चेंज करेंगे। पहले अगर हम देखेंगे कि मेरा होस्ट नेम यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंडलाइजर लिखा हुआ है। तो लेकिन अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे ये चेंज करना है। इसके लिए मैं क्या काम करूँ, देखो अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा देख सकते हो, होस्ट नेम CTL से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि स्टैटिक होस्ट नेम जो है वो वेंडलाइजर है, कि जो कि अभी हम चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज यही करना है, जो मतलब कि परमानेंट अभी नेम है वो वेंडलाइजर ही है। यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंशिएट वी यहाँ पे सुमाल है, ये मेरा यूज़र नेम है, और ये जो होस्ट नेम है वो यहाँ पे कैपिटल वी से है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपको पता भी होगा कि यहाँ ये वाला पार्ट जो होता है ये होस्ट नेम का होता है। तो अगर अब हमें ये चेंज करना है तो हम ये किस तरीके से चेंज करेंगे, इसके लिए हम एक कमांड का यूज़ करेंगे। पहले हम जाएंगे etc होस्ट नेम CTL, तो अगर इसके बदले हम यहाँ पे नैनो करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, आप यहाँ पे अगर हमें क्या काम करना है, हमें इसको सेट करना है। तो देखो हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे काम, सेट करेंगे हम होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम तो हमें क्या करना होगा, अगर हम सपोज बी 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 देंगे तो देख सकते हो यहाँ पे एथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, चलो स्विच गोस्ट में लिखता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर अब मैं यहाँ पे एग्ज़िट करूँगा, यहाँ मैं यहाँ पे भी होस्ट नेम देख कर चेक कर सकता हूँ कि क्या नाम आया है। देखो यहाँ पे बी 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 नाम मेरा आ गया है। तो अब अगर हम देख सकते हैं कि क्या सच में आया है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है कि ये वाला जो यहाँ पे टर्मिनल की विंडो है ये हमें बंद करनी है। देखो ये मैंने बंद किया, तो अब मैं यहाँ पे फिर से इसको रीओपन किया, तो अब आप देख सकते हो कि होस्ट नेम मेरा चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बी 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 आया है। तो इसलिए मुझे कौन सी कमांड यूज़ करनी है, होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, और इसके लिए मैं अब मैं एक अच्छा सा ब्लैक देखो, तो मैंने यहाँ पे होस्ट नेम रखा, तो देख सकते हो अब आप देख सकते हो कि कोई इशू नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा होस्ट नेम चेंज हो गया है। इस तरीके से हम अपने होस्ट नेम को चेंज कर सकते हैं, आपको भी अगर करना है। देखो यहाँ पे ब्लैट हैकर, ये हमारा कि होस्ट नेम चेंज हो गया है। थैंक यू।